नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में हुए सियासी तख्तापलट के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पिता के फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में यहां पर सियासी महासंग्राम देखने को मिला है, उसके बाद निशांत कुमार ने अपना एक बयान दर्ज करवाया। उस बयान में उन्होंने कहा है कि पिता का फैसला उनका निजी फैसला है, उनको ज्यादा राजनीतिक समझ नहीं है और इसी आधार पर वह कुछ भी ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के हितों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए जाने चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं निशांत कुमार के इस फैसले से आगामी वक्त में बिहार में तेजस्वी यादव को इसका लाभ होता हुआ मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव एक अच्छे राजनेता है, अच्छे वक्ता है और आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में बड़ा नाम कमा सकते हैं। इसके साथ साथ निशांत कुमार ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में जो भी व्यक्ति सियासी गद्दी पर बैठेगा उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि वह बिहार का विकास करे। आपको बता दें कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और वह पेशे से एक इंजीनियर है। ऐसे में राजनीति से निशांत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र राजनेता नीतीश कुमार हैं और ऐसे में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जाने का जो फैसला किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि निशांत कुमार आगे की रणनीति किस प्रकार से तैयार करते हैं। जिस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में वे शामिल रहे हैं उससे आधार यही बनता नजर आ रहा है कि निशांत कुमार आगामी वक्त में अपने पिता को कुछ जरूरी सलाह दे सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति में भी पैर रखने के बारे में विचार कर सकते हैं। अब देखना यही होगा कि बिहार की सियासत में जो फ्लेयर टेस्ट 12 फरवरी को होने वाला है, उस फ्लोर टेस्ट में क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे, क्योंकि तमाम नेता यहां पर नीतीश कुमार की कार्यशैली और इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या नीतीश कुमार की सरकार बच पाएगी या फिर गिर जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से कहना है कि यहां पर खेला होना बाकी है, यानी कि बिहार में अब आगामी वक्त में और भी ज्यादा सियासी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।